छपरा सोनपुर रेलखंड पर ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन में एक दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के दौरान अपराधियों ने विरोध करने पर एक युवक को गोली मारकर घायल भी कर दिया, जिसे इलाज के लिए छपार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेन यात्रियों के मुताबिक जैसे ही ट्रेन सोनपुर जंक्शन से आगे बढ़ी है, एक दर्जन अपराधियों ने हथियार निकाल लिया और यात्रियों से लूटपाट करने लगे। सोनपुर जंक्शन और दिघवारा रेलवे स्टेशन के बीच अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया और फिर वारदातों को अंजाम देने के बाद चेन पुलिंग कर फरार हो गए। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता छपरा से हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके की घटना सामने आई है कि रेल में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, विरोध करने पर एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल भी कर दिया गया है। क्या लुटेरों पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है? जिसने इस घटना को अंजाम दिया, क्या इस पर अब तक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो घटना है अर्ली मॉर्निंग की घटना है, क्योंकि जो ट्रेन है वो मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि सोनपुर और दिघवारा के बीच में ये रूट हुआ है। हालांकि जो जो बदमाश थे उनके पास हथियार लेस रहते बदमाश थे, हालांकि जब विरोध करने पे उन्होंने गोली भी चला दिया है, एक की गोली भी लगी है, जिसके उपचार के लिए पटना PMC भेजा गया है। तो जो वारदात है वो सुबह की घटना है, लेकिन उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से अभी तक छानबीन चल रही है, CCTV कैमरा को खंगाला जा रहा है, लेकिन अब तक कोई बड़ा सुराग नहीं मिल पाया है, अपराधी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। तो लगातार पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है कि अपराधी तक पहुंचे, लेकिन अब तक अपराधी तक नहीं पहुंच पाई है। जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि छपरा सोनपुर रेलखंड पर ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन में एक दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने भीषण डकैती को अंजाम देकर ट्रेन पुलिंग कर मौके से फरार हो गए।